एक बार फिर देश में हो रहे आम चुनाव में राजनीतिक मुद्दों और दलों के नीति सिद्धांत की भीड़ में जातीय गोलबंदी की राजनीति अपने पूरे चरम पर है। झारखंड भी इस जातीय गोलबंदी की राजनीति से दूर नहीं है और चुनावी जीत और हार का अंगणित जातीय ध्रुवीकरण पर जाकर टिक गई है। बात चाहे एनडीए की करें या फिर यूपीए की, राजनीतिक दलों का हर गुना भाग इस जातीय रणनीति के इर्द गिर्द घूम रहा है। एनडीए गठबंधन का जातीय राजनीति, बीजेपी, आजसू, लोजपा, जदयू का गठजोड़। जातीय राजनीति में इस गठजोड़ का असर स्वर्ण, आदिवासी, वैश्य, महतो, अनुसूचित जाति। यूपीए गठबंधन जातीय राजनीति, कांग्रेस, जेएमएम, जेवीएम, राजद। जातीय राजनीति में इस गठजोड़ का असर स्वर्ण, आदिवासी, मूलवासी, मुस्लिम, यादव, मिशनरी। ये बात और है कि जब बात जनता के मुद्दों और नीतियों को छोड़ जातीय गोलबंदी की होती है तब कोई भी दल इसे सहजता से स्वीकार नहीं करते। देखिए, झारखंड में पहले जो पहला चुनाव था झारखंड में वो कल संपन्न हुआ है और आप देखे होंगे रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। 5-5% तक मतदान प्रतिशत बढ़ा है झारखंड में, जो पूरे देश में एकदम अनूठा है। इस समय देश में राष्ट्रवाद सबसे बड़ा विषय है और जब राष्ट्रवाद के विषय को लेकर के आप और जनता आसपास नजर दौड़ाती है तो भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके और कोई राजनीतिक दल उसे नजर नहीं आता। और इस समय पूरा देश राष्ट्रवाद की लहर में है। यहाँ कोई जाति, बिरादरी, सोशल इंजीनियरिंग कोई विषय नहीं है। पूरे देश की जनता एकजुट होकर के राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होकर के नरेंद्र भाई मोदी के पक्ष में मतदान कर रही है। नरेंद्र भाई मोदी को पूरे देश की जनता, झारखंड की जनता दोबारा प्रधानमंत्री देखना चाहती है। इसके अलावा कोई विषय नहीं है। जेएमएम जैसे दल के लिए भी इस जातीय गोलबंदी की राजनीति से बाहर निकल पाना इतना आसान नहीं है। जल जंगल और जमीन का नारा देने वाले जेएमएम की निगाह हमेशा से आदिवासी, मूलवासी वोट बैंक पर रही है। हाल के दिनों में मुस्लिम और महतो के बीच जेएमएम के बढ़ते प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता। लोगों का जो मैनिफेस्टो है उससे भी आपको प्रतीत होगा कि जल जंगल जमीन की रक्षा और विस्थापन और पलायन को रोकना यह प्राथमिकता है हमारी। तो जात पात के जो मुद्दे हैं ठीक है, मैं उसे इनकार नहीं करता हूं, लेकिन पूरी तरह से ये अगर हावी हो जाए चुनाव में तो हमको लगता है कि ये इस लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं। राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस की बेचैनी भी अपने परंपरागत वोट बैंक को एक बार फिर से हासिल करने को लेकर महसूस की जा सकती है। कभी स्वर्णों के बीच अपनी मजबूत पैठ रखने वाली कांग्रेस MY समीकरण को फिर एक बार अपनी तरफ करने में लगी है। हालांकि कांग्रेस ने समाज के हर वर्ग को साधने की भरपूर कोशिश की है, जो उसके उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया में साफ साफ दिखती है। तो सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देना है, इसलिए हमारे लिए वो महत्वपूर्ण है। सिर्फ चुनाव जीतना महत्व नहीं है, बल्कि हमको पूरे देश को, पूरे समाज को, पूरे जाति को एक साथ लेकर चलने की सबसे बड़ी चुनौती है। इसीलिए राहुल गांधी बोलते हैं कि हम लोगों का विश्वास जीतेंगे, प्यार जीतेंगे और स्नेह से जीतेंगे, और यही हमारा मुद्दा है। लाख दावों और बदलाव के बाद राजनीति की ये जमीनी सच्चाई है, जहां शहर से लेकर गांव तक वोट की राजनीति जात पात पर आज भी केंद्रित है। इस बार भी झारखंड में जात पात की राजनीति नया गुल खिलाई। 7 के लिए रांची से कैमरा पर्सन अभय के साथ अविनाश कुमार।